आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी नया चैप्टर जो है फिजिक्स का जो क्लास 12 का है उसमें स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला टर्म आता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग का जो पहला है तुमको दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड चैप्टर है ये। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिटवीन T to T plus delta T a charge delta Q flow from the conductor then average current equals to delta q by delta t, charge jitna flow hua by time interval, that is called average current. If delta t tends to zero it becomes electric current at time t, electric current एट टाइम टी टाइम का बन जाएगा। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो आई बराबर डी क्यू बाय डी टी, यह हुआ रेट ऑफ रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू द कंडक्टर। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा डी क्यू बाय डी टी, ये हुआ रेट ऑफ चार्ज फ्लो जो तुम्हारा हो गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और अगर क्यू निकालना हो तो डी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। तो क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन भी कर दीजिएगा तो आपको इससे चार्ज निकल जाएगा। जहाँ तक कि करेंट का बात है, करेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करेंट इज स्केलर क्वांटिटी, पहले ये बात लिख नोट कर लें। इलेक्ट्रिक करेंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट ओबे वैक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट डजंट ओबे वैक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये वैक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है, इसलिए यह कैसा क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। और जहाँ तक कि इसका जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट का बात है, the unit of the sign of electric current is coulomb per second or ampere, तो इसका जो यूनिट होगा वो कूलम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कूलम पर सेकेंड या एम्पियर होगा।
तो तुम्हारा ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का कुछ। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज कि यह क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अवे नहीं कर रहा है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड और इसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको कि करंट डेंसिटी कहते हैं, जिसको हम लोग आगे डिफाइन करें, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, या अभी डिफाइन ही कर देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डेंसिटी उसकी जरूरत पड़ेगी हमको बाद में। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया क्या चीज़ तुम्हारा, इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ चार्ज फ्लो किसी कंडक्टर से, जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और एक दूसरा टर्म है जिसका नाम है करंट डेंसिटी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी इसके लिए डिफाइन किया गया, और किसी पॉइंट पर रिलेटेड एक क्वांटिटी होगा, जो कि हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी में हेल्प करेगा, किसी कंडक्टर के इनसाइड में उसके प्रॉपर्टी को समझने में यह क्वांटिटी हमें हेल्प करेगा, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। चलिए तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, करंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी, द इलेक्ट्रिक करेंट पासेस थ्रू ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी एट द पॉइंट, इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी एट द पॉइंट। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा तुमको, ये तुम्हारा जैसे कि है ये पॉइंट है, और करंट तुमको इसका जो एरिया है, अगर इसका डेल्टा ए है, इसका एरिया इधर करंट फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलरली तुमको डेल्टा इस के डेल्टा ए, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू ए। तो करंट डेंसिटी जो इसका डिफाइन होगा, इसका वेक्टर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू आई बाय ए। करंट डेंसिटी इज वेक्टर पॉइंट इज वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, करेंट के डायरेक्शन में होगा इसका डायरेक्शन, इसलिए ये तुम्हारा है वेक्टर क्वांटिटी। और इसका यूनिट की जहाँ तक बात है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, SI यूनिट क्या हो गया इसका, SI यूनिट इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करेंट डेंसिटी का सिंबल क्या हो गया, जे हो गया, जे इक्वल्स टू आई बाय ए। तो एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, करेंट डेंसिटी आ जाएगा तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा करंट डेंसिटी का एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दिया, जिसका नाम हो गया करंट डेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कितने तरह के कंडक्टर हैं। तो कंडक्टर को हम लोग ब्रॉडली दो टाइप में बांट सकते हैं, ठीक है, करंट डेंसिटी लिख लोगे इसको। करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा तुमको, पर यूनिट एरिया में तुम्हारा होगा, जो करंट फ्लो होगा पर यूनिट एरिया में, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जहाँ वेक्टर के रूप में हम लोग को करंट को देखना होगा, तो हम लोग उसके एक किसी पॉइंट पर जो है तुमको जो करंट का वैल्यू है पर यूनिट एरिया में, उसके आधार उसको वेक्टर के रूप में डिफाइन करके उसके आधार पर हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि ओम्स लॉ वगैरह को भी हम लोग वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे, जैसा कि तुमने वी इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा। तो इसके बाद हम लोग पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर एक तो होगा तुमको सॉलिड स्टेट में जो होता है, और एक होता है तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें कि आयंस के कारण कंडक्ट करते हैं, एक है तुमको सॉलिड कंडक्टर,
सॉलिड कंडक्टर जो कि जनरली मेटल होते हैं, ये तुमको मेटल जो होते हैं वो सॉलिड कंडक्टर होते हैं, और ये मेटल कंडक्ट्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंडक्ट करते हैं। दूसरा नंबर है तुमको, ये तुमको मेटल हो गया सॉलिड कंडक्टर। सेकेंड नंबर है तुमको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इट कंडक्ट्स ड्यू टू आयंस। इट कंडक्ट ड्यू टू आयंस, ये आयंस के कारण क्या करता है, कंडक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू क्या चीज कारण, ड्यू टू फ्री आयंस Na+ एंड Cl- इन मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन, इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में। तो पानी में अगर डाल दीजिए तो क्या होगा, इसके जो आयंस होते हैं Na+ और Cl- वो फ्री हो जाते हैं और तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। या और इलेक्ट्रिसिटी को जैसे कंडक्ट करने की बात है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो लिया जाता है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लिया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इसका मतलब विपरीत। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के विपरीत इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होगा तुमको पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के फ्लो के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के विपरीत। निगेटिव चार्ज इधर से फ्लो करेगा उसके डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में क्या माना जाता है, इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो करेगा निगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन का मान। और दो तरह के कंडक्टर हुए, एक हो गए तुमको सॉलिड कंडक्टर जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी उसको कह सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करता है जिसमें करंट फ्लो करता है। दूसरा कंडक्टर हो गया जो कि आयंस के कारण फ्लो करता है, जिसे आप कंडक्टर का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, जिसमें उसमें कि जबकि हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में जब से कोई इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं तो उसमें आयंस फ्री हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जो आयनिक सॉलिड होते हैं तो वो कंडक्ट करते हैं। या तुमको दूसरा हो गया तुमको जबकि उसको उसी आयनिक सॉलिड को हम लोग अगर लिक्विड स्टेट के में डाल दें मतलब हीट करके सॉलिड से कहाँ बदल दें लिक्विड में तो उसके आयंस फ्री हो जाते हैं और मूव कर पाते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ध्यान रहे। Na+ जैसे कि है NaCl में फ्री नहीं होते सॉलिड स्टेट में, इसलिए एक बैड कंडक्टर होता है, ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन दो तरह के। हम लोग अभी जो ध्यान अपना केंद्रित करेंगे सॉलिड कंडक्टर पर, देखते हैं कैसे कंडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करेंट इन सॉलिड कंडक्टर। तो सॉलिड कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो सब इधर उधर क्या कहते हैं रेंडम मोशन में रहते हैं। इन सॉलिड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूव रेंडमली, इलेक्ट्रॉन मूव रेंडमली सो नो करेंट फ्लो थ्रू द सॉलिड कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें तो यह क्या होगा, रेंडम मोशन में इधर से उधर जाते रहेगा और उसमें कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं रहा, चूंकि कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट राइट तो कोई राइट टू लेफ्ट उतना ही जाएगा, कोई टॉप टू बॉटम जा रहा है तो बॉटम टू टॉप भी उतना ही जाएगा। इस प्रकार नेट चार्ज फ्लो जीरो हो जाएगा। जैसे रैंडम मोशन को आप देखना चाहते हैं तो इसको इस ढंग से देख सकते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है कुछ को ए यहां से चला यहां गया और मान लेते हैं कि ये आकर के यहां पर बीच में कोलिजन करते रहता है, ये बी तक आ गया, ये बीच में मतलब कि ये यहाँ से गया यहाँ तक आया और इस बीच में ये कोलिजन करते रहता है, जिसको हम लोग इस एक यहाँ पर टकराया तो इधर आ गया, फिर यहाँ टकराया तो इधर आ गया। इस तरह से क्या होता है, ये रेंडमली ये मूव करते रहता है और ये कोलिजन हुआ होगा, यहाँ पर क्या होगा होगा कोलिजन, यहाँ भी हुआ कोलिजन और इस प्रकार से क्या होता है तुमको ये अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है और ये टकराते रहता है कोलिजन के कारण। और ये जो कोलिजन के बीच का टाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम गैप the time interval between consecutive collision is called relaxation time। इसको टाओ से डिपेंड करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाओ लिखते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम को। तो ये जो तुम्हारा कोलिजन के कारण ये होता है, लेकिन जब इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो देखो इसका पाथ कैसा होगा, इसका देखते हैं पाथ, यहां से ए से चला, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर एक इधर के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इधर लगाए तो यह इस इलेक्ट्रॉन का तुमको इसके विपरीत डायरेक्शन में कुछ जाने की टेंडेंसी हो जाएगी, लेकिन वो उस ढंग से नहीं जाएगा, देखो किस ढंग से जाएगा, ये तुमको ए से जैसे स्टार्ट करेगा तो ये तुमको अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया अगर इस ढंग से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि ऐसे जाता था इसका कुछ झुकाव इसके अपोजिट साइड हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, और ये भी जैसे सीधे आता था ऐसे तो ये तुमको कुछ बायां साइड झुकता हुआ दिखेगा, और इस प्रकार से ये भी झुकेगा तो ये तुमको बी नहीं आ करके ये बी डैश पे आ जाएगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो ये जो तुम्हारा बी से बी डैश जो हो गया ये ड्रिफ्ट कर गया, बी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स, तो यहां लिख देते हैं एक लाइन, when external electric field is applied to the conductor electron drifts opposite to the electric field direction, electric field direction के अपोजिट में क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, और बी बी डैश जो हो गया तुमको ड्रिफ्ट डिस्टेंस ड्रिफ्ट डिस्टेंस हो गया, पहले बी जाता था बी डैश हो गया, ड्रिफ्ट डिस्टेंस इस फिगर में देख रहे हो,
तो ये जो तुम्हारा होगा, ये जो बी से बी डैश का जाना, यही ड्रिफ्टिंग कहलाता है। और ये ड्रिफ्टिंग ही तुमको क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ड्रिफ्टिंग ही तुमको, ये ड्रिफ्टिंग के कारण ही क्या होगा तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से लगा तो उसके कारण ड्रिफ्टिंग हुआ, और ये इलेक्ट्रिक करंट चार्ज इसके कारण ड्रिफ्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होना मतलब कि चार्ज का ड्रिफ्ट होना, और चार्ज ड्रिफ्ट होगा इट मीन्स कि चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो होगा दैट विल बी दैट मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। और तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। यही ड्रिफ्टिंग क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करना अगर, और ये ड्रिफ्टिंग कब होगा, जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगना बंद हो जाएगा, ये ड्रिफ्टिंग भी बंद होगा, क्योंकि फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो ये जाहिर है कि अपना रेंडम मोशन में ही आ जाएगा, और ये रेंडम मोशन के को में क्या करता है, कुछ चेंजिंग करता है, जिसके डायरेक्शन के आधार पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके मूव करता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट करते हैं, और ये ड्रिफ्ट ही तुमको किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का लगना बंद हो जाएगा, ये ड्रिफ्टिंग भी बंद हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि तुमको, जैसे कंडक्टर है ये तुम्हारा, अगर इंड इसका, ये मतलब कि इंड लेस नहीं है, ये इंड इसको यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर फ्री हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ प्रोटॉन आ गया, तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इसको अगर हम लोग बाहर से एक बैटरी से अगर कनेक्ट कर दें इसको, तो ये पॉजिटिव चार्ज बार बार ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करते रहेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक करेंट है वो चालू रहेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करेंट इसका चालू रहेगा, और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन देते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता हुआ दिखेगा और पॉजिटिव का इधर से इधर, तो ये तुमको एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव बड़ा वाला जो है पॉजिटिव, और छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये देता रहेगा तो ये इसको यूटिलाइज करते रहेगा, और ये करंट हमेशा जारी रहेगा ड्रिफ्टिंग। और अगर नहीं तो आपका क्या होगा, अगर ये यहाँ आकर के अगर जमा हो जाएगा तो ये विपरीत डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, और इस प्रकार से क्या होगा, आपका करंट रुक जाएगा। तो सेल जो है तुमको, जो सेल है तुमको या बैटरी, सेल और बैटरी produces gives electric field which is responsible for continuous flow of current, current के continuous flow के लिए responsible होता है। ये तुम्हारा हो गया करंट के कंटिन्यूस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तुम्हारा हो गया किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट इसमें तुमको जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हें, ये तुम्हारा करंट का वैल्यू हो गया I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये क्या होगा तुमको, करंट का वैल्यू तुम्हारा हो गया। तो करंट कितना होगा ये भी एक अब कह सकते हैं, ये तुमको जो कंटिन्यूस फ्लो होगा चार्ज का उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन का कितना होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हैं पहले, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड थ्रू द कंडक्टर The electron experiences a force and drifts
drifts opposite to the drifts opposite to the electric field direction. Electric field direction due to opposite negative charge. So if E is external electric field, तो F इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा माइनस ई, तो एसिलेशन कितना हो जाएगा इसका, एसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा ई बाय एम, तो ये तुम्हारा हो गया मास से भाग दे दें, तो ये तुम्हारा क्या हो गया एसिलेशन हो गया, तो ये बराबर माइनस ई बाय एम, ये हो गया तुमको इसका एसिलेशन हो गया। अब एसिलेशन हो गया इफ टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम द ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगा, तो कितना ड्रिफ्ट करेगा ये, और अगर पहले जैसे था पहले इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना तो वह तो जीरो ही हो जाता था ड्रिफ्टिंग, क्योंकि जब जो जितना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा उतना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, तो उसका तो एवरेज वेलोसिटी क्या मानेंगे, उसका जीरो ही मानेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी जो ड्रिफ्ट करेगा वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू तो जीरो ही हो गया आपका, तो ए इंटू टॉ, तो माइनस ई बाय या वी डी को एक स्क्रैप फॉर्म में लिख दे माइनस ई बाय, तो माइनस हटा दीजिए, तो इसका हो जाएगा ई, इसको मैग्नीट्यूड के रूप में देखें तो वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टॉ, ये क्या होगा तुमको ड्रिफ्ट स्पीड, ये ड्रिफ्ट स्पीड हो गया ई बाय एम इंटू टॉ, तो ये तुम्हारा हो गया ई टॉ बाय एम इंटू ई, वी डी जो हो गया तुमको ई टॉ बाय एम इंटू ई, ये किसका वैल्यू हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया, तो ड्रिफ्ट स्पीड हो गया कितना ई बाय एम इंटू टाओ, ये तुम्हारा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यह एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्योंकि ये बार बार जो टकराते रहता है तो इसका वैल्यू एसलेट होने के बजाय ये क्या रहता है, इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वी डी इज इक्वल टू ई बाय टॉ एम जो है तुम्हारा ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये तुमको क्या होगा तुमको जब टकराते रहता है हर कोलिजन के बाद तो ये लगभग एक कांस्टेंट की तरह ही होता है, तो ये चूंकि फ्री स्पेस में नहीं मूव कर रहा है बल्कि ये कोलाइड करता है, और इसी के कारण जो है तुमको रेसिस्टेंस का भी क्रिएशन हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे, तो ये तुम्हारा रेसिस्टिविटी तुम्हारा या रेसिस्टेंस का इसी के कारण क्रिएटिविटी होता है कोलिजन के कारण। तो ये वीडी तुम्हारा क्या हुआ, तो ड्रिफ्ट में मतलब इलेक्ट्रॉन को जैसे कि ड्रिफ्ट किया तो उसका वैल्यू क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना निकल गया ई मैंने स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ये फोर्स था बाय मास के एक्सेलरेशन इंटू टाउ, ये तुम्हारा जो रिलैक्सेशन टाइम है उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया ड्रिफ्ट स्पीड का। अब ये ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू तुम्हारा इसी के कारण इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, ये काफी कम होता है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम तो काफी कम होगा, वहां तो मॉलिक्यूल्स काफी भरे हुए हैं, तो ये मिलीमीटर के रेंज में होता है, मिलीमीटर पर सेकेंड इन सबों के रेंज में होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये काफ़ी स्लो मैंने कम होता है, वीडी का जो रेंज होता है जैसा कि एक आज हम लोग अभी वैल्यू कैलकुलेट भी करेंगे जब हम लोग जो कि टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट और इसमें रिलेशनशिप देखेंगे उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू काफ़ी कम होता है मिलीमीटर या सेंटीमीटर पर सेकेंड में होता है कंडक्टर में, और ये तुम्हारा हो गया ये ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में। अगला जो तुम्हारा टॉपिक है कि ड्रिफ्ट स्पीड का इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या रिलेशन है, ड्रिफ्ट स्पीड से में कितना अगर ड्रिफ्ट स्पीड समथिंग है इलेक्ट्रॉन का जो अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग होंगे तो उससे कितना करंट क्रिएट होता है किसी कंडक्टर में, तो जिसको कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्ट करेंट और ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी या तुमको इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशनशिप, तो इसको लिख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। तो इस टॉपिक को पहले देखते हैं उसके बाद देखेंगे फिर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म उसको हम लोग। तो कोई कंडक्टर है जिसका कि मान लेते हैं कि
कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इस पर तुमको अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, तो इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी ये कितना ड्रिफ्ट कर जाएगा, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी ये तुमको वी डी डेल्टा टी ड्रिफ्ट करेगा, ये कितना करेगा, वी डी इंटू डेल्टा टी के बराबर ड्रिफ्ट करेगा। इफ ड्रिफ्ट स्पीड इज वी डी देन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स वी डी डेल्टा टी डिस्टेंस, वी डी डेल्टा टी डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो ये जो ड्रिफ्ट करेगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ इफ एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड इन टाइम डेल्टा टी बराबर एन ए वी डी डेल्टा टी, एन ए वी डी डेल्टा टी, एन ए वी डी डेल्टा टी, इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, चार्ज ड्रिफ्टेड डेल्टा क्यू बराबर एन ए एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई, एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई, इतना चार्ज क्या होगा, इतना चार्ज ड्रिफ्ट करेगा, इतना चार्ज ड्रिफ्ट करेगा तो डेल्टा क्यू का ये वैल्यू हो गया, तो ये कितना टाइम में करेगा, तो इतना डेल्टा क्यू हो गया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ए ई वी डी डेल्टा टी, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो आई बराबर क्या हो गया, एन ए ई वी डी, आई बराबर एन ए ई वी डी, आई बराबर एन ए ई वी डी, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा तुमको, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई बाय ए होता है तुम्हारा, तो जे इक्वल्स टू एन ए ई वी डी बाय ए, तो जे इक्वल्स टू एन ई वी डी, तो ये भी फॉर्मूला हो गया, करंट का, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन यहाँ हो गया, आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, और दूसरा हो गया जे इक्वल्स टू एन ई वी डी, ये तुम्हारा करंट का फॉर्मूला हो गया और ये तुम्हारा करंट डेंसिटी हो गया ड्रिफ्ट की स्पीड के साथ, और इसमें जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ है एक, अगर तुमको नंबर ऑफ एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ध्यान रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का देने से काम नहीं होगा, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैल्यू है, तो इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया फिर से देख लेते हैं, हमने निकाला कि पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है अगर एन, तो एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इन डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करें, वी डी इंटू डेल्टा टी इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एन ए इंटू एरिया इंटू लेंथ, दैट इज वी डी इंटू डेल्टा टी लेंथ हो गया, दैट इज वॉल्यूम हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, तो टोटल चार्ज कितना चार्ज हो गया, और ये इतने कितना देर में ड्रिफ्ट किया, ये इतना चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा टी टाइम में, तो एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज कॉल्ड करंट, तो दैट इज एन ए ई वी डी, और करंट डेंसिटी जब निकाला था तो करंट बाय एरिया दैट इज करंट डेंसिटी,
तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू एनी वी डी। और तुम्हारा दूसरा जो टॉपिक है, जैसे कि इसी में तुमको जहां तक एक कंडक्टर में जैसे कि तुमको दिया हुआ है एक कॉपर का डेंसिटी दिया हुआ 9, तुम्हारा एक जो एग्जांपल दिया हुआ है पहला 3.1 में वो है तुमको एनसीईआरटी बुक में, उसमें है कि करेंट कॉपर का डेंसिटी दिया हुआ 9000 kg/m³ और उसमें करंट दिया हुआ है आई रिमेंबर 1.5 एम्पियर, तो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.1। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.1 डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 9000 kg/m³, करेंट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, करेंट 1.5 एम्पियर, ये डेंसिटी है ये करेंट है, तो निकालना है तुमको ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा। तो करंट तुम्हारा दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इसमें निकालना पड़ेगा, करंट दिया हुआ है तो वी डी निकालना एन ए ई वी डी, तो इसमें निकालना पड़ेगा तो ये जो तुम्हारा मास दिया हुआ है तुमको एक मीटर क्यूब का 9000 kg जो मास है वो क्या है एक मीटर क्यूब अगर कॉपर का वॉल्यूम होगा तो इसमें कितने एक मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमको फ्री इलेक्ट्रॉन एक कॉपर क्यूब में मान लेते हैं 1 conduction electron इन ईच एटम, ऐसा लिख भी देते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 conduction electron इन ईच CU एटम, ऐसा एज्यूम कर लें, आप एज्यूम कर लें। और तो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो हम लोग का मास ऑफ 1 meter cube मतलब यूनिट वॉल्यूम का मास ऑफ 1 meter cube CU इक्वल्स टू 9000 kg, 9000 kg, तो 9000 kg में जितने एटम होंगे वो कैलकुलेट मैं कर लेता हूं, तो अगर उतना एटम होगा तो जाहिर है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो n निकल जाएगा मेरा, तो ये तुम्हारा n का वैल्यू आ जाएगा, तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो आ जाएगा इसका वैल्यू, तो चलिए तो इसको निकाल लेते हैं कि ये 9000 kg हो गया, तो ये हो गया तुमको इसका जहां तक वैल्यू की बात है तो 9000, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ CU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल के लिए एटॉमिक मास से भाग देते हैं तो 9000 kg है इंटू क्या होगा इंटू 1000 कर दो तो ये ग्राम में आ गया बाय 63.5 होता है इसका ग्राम एटॉमिक मास, ये मोल निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ CU एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये भी कह सकते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 9000 × 1000 बाय 63.5 × Avogadro number 6.022 × 10^23, इतना क्या होगा तुम्हें, इतना एटम्स होंगे, इतना n का वैल्यू हो गया, इतना n का वैल्यू हो गया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर तुम्हें दिया होगा इसका तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर गिवेन होगा 1 meter समथिंग, तो अब किस फार्मूला में चले जाएंगे, I इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, तो I इक्वल्स टू तो वी डी इक्वल्स टू हो गया I बाय एन ए ई, ई का जो वैल्यू होता है ये भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये ई का वैल्यू कितना हो गया 1.6 × 10^-19 कूलम,
तो इसका वैल्यू यहां पुट कर देंगे और एन का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, एन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारा जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको पुट कर देंगे और इस प्रकार से क्या होगा, ये वीडी का वैल्यू यहां पर आ जाएगा। तो ये मिलीमीटर के रेंज में आता है, ये जो तुम्हारा मिलीमीटर या सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेंज में आएगा। दूसरा एक था तुम्हारा, उसी पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, उसका जो कि एटम है उसकी वेलोसिटी, तो वो होता है तुमको वी इज इक्वल टू जो आरएमएस वेलोसिटी होता है रूट अंडर 3 kT/m या 3 RT/m ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट अंडर अगर 3 RT, अगर ये k तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, RT/m लेंगे तो ये तुम्हारा मास ऑफ 1 मोल का हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल, इसमें है मास ऑफ 1 एटम, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है और इसमें दोनों में संबंध होता है R इज इक्वल टू के, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये हो गया गैस कांस्टेंट, के हो गया तुमको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और n हो गया 6.022 × 10²³³ एवोगाड्रो नंबर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। और स्मॉल m अगर लिखना चाहेंगे तो मास ऑफ 1 CU एटम अगर ले, और कैपिटल मास अगर लिखे तो मास ऑफ 1 मोल सी यू एटम। तो आप जिस फॉर्मूला बना चाहिए बना सकते हैं, जैसे R का वैल्यू रखेंगे तो ये देखो R, अगर R में काम करें तो यहां पर 1 मोल का मास देंगे, जैसे 63.5 ग्राम देंगे, लेकिन अगर K में काम करें तो यहां पर एवोगाड्रो नंबर R/n होगा, तो n से यहां गुना होगा, 1 मोल का मास होगा, दोनों एक ही फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला पर वर्क करेंगे बात है। टेम्परेचर अगर मानते रूम टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, 225 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग R का वैल्यू कितना होता है 8.3 और n का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया, तो ये जो वेलोसिटी आ जाएगा रूट अंडर 3 RT/m पर ही रख देते हैं, 3 × 8.3 × 298 केल्विन बाय मास क्या होगा तुम्हारा 63.5 ग्राम, लेकिन ऐसा यूनिट के इसको केजी में बदलना है, तो 10³ इतना मीटर पर सेकेंड ये तुम्हारा आ जाएगा। तो ये वैल्यू काफी सबसेंट बड़ा रहता है 10⁶ मीटर/सेकेंड इन सब रेंज में आता है, और ये जो वैल्यू आता है ये काफी छोटा आएगा 10⁻³ मीटर/सेकेंड के रेंज में ये आएगा। तो इसको तुम जो है डाटा वगैरह देख सकते हो 3.1 एग्जांपल किताब से, पहले क्वेश्चन पढ़ लो और उसके बाद यहां पे सॉल्व किया हुआ इसकी मदद से। तो इसमें क्या किया गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में निकाला, तो एक मतलब मीटर क्यूब का मास हमने लिया दैट इज 9000 kg, तो 1 m³ का मास 9000 kg, तो उसको क्या कर दिया, मास को हमने मोल में बदल लिया, पहले किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, और 63.5 ग्राम में 1 मोल होता है तो उससे मोल ऑफ एटम निकल गया, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, एन जिसको वैल्यू मेन यही समस्या था तुम्हारा एन निकालने का। अब बाकी उसके बाद तो फॉर्मूला है तुम्हारा आई का जो भी वैल्यू दिया हुआ है 1.5 है, 1 है एरिया है, ई का वैल्यू 1.6 m/sec पुट कीजिए, आपका ड्रिफ्ट स्पीड जिस भी कंडक्टर का हो जो भी क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकली आपका आ जाएगा। दूसरा कि उसके जो एटम होते हैं वो किस वेलोसिटी से इधर उधर मूव करते रहते हैं, जो कि तुमने पढ़ा होगा क्लास 11 में, ये देखा भी होगा तुमको, ये जो फिजिक्स में दिया हुआ था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें तुमने देखा होगा कि रूट मीन स्पीड क्या था, रूट अंडर 3 RT/m0 या रूट अंडर 3 kT/m, के का मतलब होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसमें एक एटम का मास देंगे अगर इसको प्रयोग करेंगे, और जब गैस कांस्टेंट आर का प्रयोग करेंगे तो उसमें 1 मोल एटम का मास देंगे, दोनों एक ही फार्मूला है, और हमने तो R के आधार पर ही रख दिया 3 × 8.3 और इंटू क्या हो गया तुम्हारा, और T का वैल्यू 298 केल्विन ले लिए अगर रूम टेम्परेचर, और M का वैल्यू 63.5 × ग्राम को निश्चित रूप में ध्यान रखें 1 मोल एटम का मास ग्राम में होता है, बट एस आई यूनिट इज केजी, इसलिए इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी मीटर पर सेकंड में ये स्पीड आएगा। तो आई होप कि तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बाकी तुम इसमें देख सकते हो क्वेश्चन, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो करंट ड्रिफ्ट का ड्रिफ्ट के कारण जो कि रेसिस्टेंस का कैसे ओरिजिन होता है, ओम्स लॉ कैसे है वेक्टर फॉर्म में, ओम्स लॉ का क्या एक्सप्रेशन है, फिर सेल वगैरह, इन सबों के पोटेंशियल डिफरेंस, इन सबों की चर्चा आगे बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।